आदाब। पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2019 लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उसे जीत लिया है और उसी की जीत के साथ साथ बाबा रामदेव काफी गदगद नजर आ रहे हैं, तो उनकी जीत की आड़ में उन हिंदू संगठन के मनोबल भी उतने ही मजबूत हो गए हैं जिस तरह वो 2014 से 19 के बीच में हर घटना को अंजाम देते हुए नजर आए हैं। और इस बार एक से बढ़कर के एक बड़बोले बयान दिए जा रहे हैं, उसमें बाबा रामदेव भी अब पीछे नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि अब प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास का, ये नारा कहीं ना कहीं खोखला दिखता हुआ नजर आया है। और अगर ये नारा सिद्ध होता है तो बाबा रामदेव का विकास और अनिल अंबानी का विकास, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उनका विकास, ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध होती हुई 2014 से 19 के बीच में नजर आई है। और अब जब 2019 में प्रचंड बहुमत के बाद बाबा रामदेव पूरी तरह से खुल करके उग्र हो चले हैं और कुछ भी बोलने से नहीं बाज आ रहे हैं, ऐसा ही बयान बाबा रामदेव ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के दिया, जिसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें ट्विटर हैंडल से मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि बाबा रामदेव को अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और जिस तरह वो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो चलिए आखिरकार जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह बाबा रामदेव की क्लास लगाई है और ये साफ तौर पर उन पर कटाक्ष भरे लहजे में दो टुक में बाबा रामदेव को अपनी बात कह दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने योग गुरु बाबा रामदेव पर उनके उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की आबादी नियंत्रित करने के लिए तीसरे बच्चे को वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। ओवैसी ने तंज भरा ट्वीट करते हुए रामदेव पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल इसलिए अपना वोट का अधिकार नहीं खोना चाहिए क्योंकि वह अपने माता पिता की तीसरी संतान है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, लोगों को असंवैधानिक बातें कहने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन रामदेव के विचारों पर अनुचित ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? वह अपने पेट के साथ कुछ कर सकते हैं या अपने पैरों को घुमा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी अपना वोट देने का अधिकार सिर्फ इसलिए खो दें क्योंकि वह तीसरी संतान है। आपको बता दें कि पीएम मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा मोदी की तीसरी संतान है। पीएम मोदी का गुजरात के वाडनगर में 17 सितंबर 1950 को जन्म हुआ था। योग गुरु बाबा रामदेव ने रविवार को देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाए जाने की वकालत करते हुए कहा था कि दो बच्चों के बाद पैदा होने वाले बच्चों को मताधिकार, चुनाव लड़ने के अधिकार तथा अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए। हरिद्वार में एक संवाददाता सम्मेलन में स्वामी रामदेव ने कहा था कि जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए भारत तैयार नहीं है और किसी भी दशा में भारत की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही स्वामी रामदेव ने कहा था, ये तभी हो सकता है जब देश में ऐसा कानून बने कि जो भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे तो उसके बच्चे को वोट देने का अधिकार ना हो, चुनाव लड़ने का अधिकार ना हो और सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सभी सुविधाओं से उसे वंचित कर दिया जाए। रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने कहा कि 23 मई को मोदी दिवस या लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए क्योंकि 23 मई में भारतीय इतिहास में गौरवशील दिन बना है जब प्रचंड बहुमत से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर अतः विश्वास जताते हुए 50% से भी अधिक मतदान देकर भरोसा जताया है।
रामदेव ने कहा कि वह चाहते हैं कि 23 मई का दिन भारतीय राजनीति के लिहाज से हमेशा याद किया जाए। सोमवार को बहादुरपुर सैनी में पत्रकारों से बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि एक गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी पूरे देश में सभी लोगों का समर्थन पाता है। मोदी अपने बूते पर 300 से ज्यादा सीटें जीतते हैं। ये लोकतंत्र में लोगों के विश्वास की पराकाष्ठा का दिन है। कहा कि ये बात वे इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनका मोदी से प्रेम है, बल्कि भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह मोदी पर है जो करोड़ों लोगों का विश्वास उन्होंने अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि वह तब जब एक तरफ महागठबंधन और तमाम विपक्षी दलों की एकता हो, ऐसे में एक योद्धा की तरह उन्होंने चुनाव लड़कर लोगों का दिल जीतकर दिल्ली का किला जीता है। 23 मई को भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान मिलना चाहिए। सोमवार को पतंजलि ने कई मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च किए। पतंजलि की गौशाला में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि अन्य कंपनियों की तुलना में पतंजलि ने सस्ते और नेचुरल दुग्ध उत्पाद मार्केट में उतारे हैं। इनमें दूध, पनीर, मक्खन, छाछ, दही आदि शामिल हैं। दूसरी कंपनियों के उत्पाद से पतंजलि ने अपने उत्पादों के दाम में आंशिक कमी की है। आपको बता दें कि ओवैसी ने रविवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल जुबानी बातें करते हैं, कि अल्पसंख्यक भय के वातावरण में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे और उनकी पार्टी भाजपा पिछले 5 साल से ये पाखंड कर रही है। प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले कहा था कि अल्पसंख्यक भय के वातावरण में है और उन्होंने इसे दूर करने का आह्वान किया था। इस पर ओवैसी ने कहा कि मोदी संकेत नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस मुद्दे ने उनको एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर मोदी उन गिरोहों पर लगाम लगाएं जो गाय के नाम पर मुस्लिमों को पीटते हैं और उनकी हत्या करते हैं, तो अल्पसंख्यकों में अपने आप दूर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हाल में गाय के मुद्दे पर मुस्लिमों को पीटने की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत से इन संगठनों का मनोबल मजबूत हुआ है और अब कोई इनको रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि संविधान की शपथ लेंगे, उन्हें जानना चाहिए कि जीने का अधिकार मानव के लिए है, ना कि पशुओं के लिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इस मूलभूत चीज को समझ लेंगे तो भय अपने आप दूर हो जाएगा, लेकिन भाजपा मौलिक अधिकार को पसंद नहीं करती। ओवैसी ने गाय के नाम पर अल्पसंख्यकों को पीटने और हत्या करने वालों को भस्मासुर करार दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बाबा रामदेव जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उपाय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत के साथ आई है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, तीसरे जो बच्चे होते हैं उनसे वोट का अधिकार और सरकारी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो पूरी तरह से उनसे छीन लिया जाए। तो उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उन्हें जवाब देते हैं कि रामदेव को उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वोट का अधिकार नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की तीसरी संतान है जो देश के प्रधानमंत्री हैं। लगातार हर मुद्दे पर देखा जा रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे गुरुग्राम की घटना हो, चाहे पश्चिम बंगाल में मस्जिद में बम फोड़ने की घटना हो, चाहे बाबा रामदेव हो, हर मुद्दे पर बेबाकी से बेखौफ होकर के इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। पर अफसोस होता है, जो अपने आप को सेकुलरिज्म कहते हैं और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं देश में, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती जी हर मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश नजर आ रही हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है, वो कहीं ना कहीं उस बात का ही मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बेबाक हो करके हर मुद्दे पर, बेखौफ हो करके हर मुद्दे पर जवाब दे रहे हैं, वो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब से चुनाव खत्म हुए हैं तभी से सोशल मीडिया पर, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अब एकदम से खुल करके आगे आ गए हैं, क्योंकि जिस जुल्म और ज्यादती की जा रही है और जिस तरीके का बयान बाबा रामदेव दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और रही बाबा रामदेव की बात, तो बाबा रामदेव इन घटनाओं को और जो मोदी दिवस बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्णय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और जनसंख्या रोकने के लिए जो सलाह नरेंद्र मोदी को दी जा रही है वो असल में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव कहीं ना कहीं खोखले साबित नजर आ रहे हैं। क्योंकि बाबा रामदेव को खासकर देश की जनता से, भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना है नहीं। उन्हें लेना देना है तो उनका प्रोडक्ट कैसे देश में विकास करे और कैसे उनके प्रोडक्ट को देश में बेचा जाए, सिर्फ इसीलिए ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की खुशामत हो रही है। क्योंकि हर कोई जानता है कि करप्शन की बात जब बाबा रामदेव से पुण्य प्रसून वाजपेयी ने पूछी थी तो वो कैसे गुस्से में आ गए थे और इस तरह के सवाल ना करने की पुण्य प्रसून वाजपेयी को नोटिस दिया गया था। और जब बार बार नरेंद्र रामदेव से पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ये सवाल पूछे तो अंजाम हमारे और आपके सामने है कि उन्हें नौकरी से निकलवा दिया गया। लगातार बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ओछी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, पर इन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। और इसको जो हमारा भारतीय मीडिया है, जो अब तथा कथित हिंदू राष्ट्रवादियों का मीडिया बन करके रह गया है, वो इनके बयान को इस तरीके से पेश कर रहा है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ कह दिया इनके बयान पर तो उन्हें ही कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया है। वो भले ही अपनी इन हरकतों से बाज आए या ना आए, इसके अंजाम को बताएं या ना बताएं, बाबा रामदेव की हकीकत हर कोई अब जान चुका है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।